शत्रु के खिलाड़ी सीजन 12 में प्रतीक सहजपाल को हो गया है प्यार, और अगर प्यार हुआ है तो वो किससे हुआ है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। पर प्रतीक सहजपाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नज़र आ रहे हैं और अपने स्टंट से अपने फैंस को इम्प्रेस भी प्रतीक सहजपाल ने कर ही दिया है। लेकिन हाल फिलहाल एक चौंका देने वाली खबर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि क्या प्रतीक सहजपाल को जो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में प्यार हो गया है, और निशांत भट्ट ने क्या खुलासा किया है रोहित शेट्टी के सामने। दरअसल मैं आपको बता दूं कि निशांत भट्ट जो है प्रतीक सहजपाल की टांग खींचते हुए नजर आते हैं, और जहां पर निशांत कहते हैं कि इसे जो है हर रियलिटी शो में जो है वो प्यार हो जाता है, और ये जाता वहां पर ट्रॉफी जीतने हैं लेकिन ये लड़कियों के दिल जीत कर आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चॉकलेटी बॉय है यानी कि प्रतीक सहजपाल है, उनका क्या खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी यही हाल होने वाला है। दरअसल इसके बाद में जब चेतना पांडे की एंट्री होती है तभी चेतना के सामने जो है निशांत भट्ट जो है वो यही कहते हैं कि अब तो प्रतीक गया, क्योंकि जब चेतना बताती हैं कि प्रतीक सहजपाल को वो पहले से जानती हैं और उन्होंने जो है एक साथ एक रियलिटी शो किया है जहां पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ते थे, इसके बाद में निशांत भट्ट जो है वो रोहित शेट्टी को इशारा करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की भी ट्रॉफी जो है वो प्रतीक सहजपाल के हाथ में नहीं आने वाली, क्योंकि इस शो में भी ये तो गया। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल जो है उनका दिल कहीं ना कहीं जो है वो चेतना के पास में है, और हाल फिलहाल ये जो एक लव एंगल जो है वो बन सकता है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। वेल, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई केमिस्ट्री बनती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ अभी हाल फिलहाल तो चेतना ने यही कहा है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती कब प्यार में बदलती है ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या है आपके रिएक्शन, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।